ओके सो हाय गाइस, दिस इज शिला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिला स्टाइल। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ज्वेलरी एंड मेकअप की एंड कॉस्मेटिक्स के कलेक्शन में शेयर करूंगी, मेरी कलेक्शन जो मैंने कलेक्ट किया है। सो उसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेक श्योर की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाँ, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो फिर चलिए मिलते हैं मेरे कलेक्शन से, चलो आ जाओ। सो गाइस, यहाँ पर बस थोड़ा सा मेरी छोटा सा कलेक्शन है। तो फर्स्ट मैं दिखाऊंगी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन। सो यहाँ पर मैं दिखाने वाली हूँ एट फर्स्ट जो मेरी ब्लू इयररिंग से जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी बट अब नहीं है, बट जब ट्रेंडिंग थी तब मैंने इसे ख़रीदा था मेरे कुत्ती के लिए। मैं इसे अभी भी पहनती हूँ कुत्ती के साथ, जिसकी कलर भी ब्लू थी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की इयररिंग्स ली है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी। फ़िलहाल तो नहीं बट इसे भी मैं मेरी ब्लैक कुत्ती के साथ पहनती हूँ। एंड नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी चूड़ा की कलेक्शन। एंड इसे मैं पहनती तो नहीं, पता नहीं मैंने इसे क्यों ख़रीदा था बट अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दो बेंगल्स है जो मैंने अपनी शादी की बात ख़रीदा था, बहुत पसंद आती है मुझे ये। नेक्स्ट यहाँ पर एक चोकर है ब्लैक कलर की, बहुत ही सस्ते सा चोकर, बहुत ही कम प्राइस थी, लगभग 10 और 20 कुछ इस तरह की। सो नेक्स्ट यहाँ पर एक नेकलेस है ब्लैक कलर की, इसे भी मैं कुत्ती के साथ वेयर करती हूँ एंड कुत्ती के साथ वेयर करने में बहुत ज़्यादा प्यारा दिखती है जब मैं इसे पहनती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर एक हिमालय बेबी सोप है, इसे मैं साइड में रखती हूँ। एंड यहाँ पर है दो बैंगल्स और एंड यहाँ पर चार बैंगल्स की सेट है। नेक्स्ट यहाँ पर एक है ब्रेसलेट जो कि मेरी फेवरेट है। एंड हेयर एक्सेसरी में मैं दिखाऊंगी बस थोड़ा सा कलेक्शन, थ्री क्लेचर, जस्ट थ्री क्लेचर। एंड यहाँ पर हेयर बम के लिए जो हम बंग बनाते हैं ना, उसके लिए जो करी होती है फ्लावर। नेक्स्ट यहाँ पर एक और नेकलेस है जो मैंने आपको बन के लिए, हेयर बन के लिए दिखाई जो फ्लावर, उसकी प्राइस लगभग 20 थी। एंड ये जो नेकलेस थी इसकी प्राइस आई थिंक 222 थी, कुछ इस तरह से दिखती है नेकलेस। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है फिलहाल एंड बहुत ही क्यूट है। इसमें जो नेकलेस है इसकी एक एनिमल पेंडेंट है। सो फिलहाल मैं इसे रखती हूँ साइड में। ओके एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर जॉनसन बेबी की वेब से जो हम इसे टिशू बोलते हैं, एक्चुअली इसे टिशू तो नहीं हम वेब से बोल सकते हैं। इसे मैं मेकअप रिमूव के लिए यूज़ करती हूँ, इससे मेकअप अच्छे तरह से रिमूव होती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दो और बेंगल्स है एंड कुछ इस तरह से दिखती है एंड इसकी नीचे लटकती है झुमका जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगती है, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा था। ओके तो इसे मैं साइड में रखती हूँ। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी मेरे मंगलसूत्र की कलेक्शन जो तीन ही कलेक्शन है जस्ट। तो ये जो आप देख रहे हो जी, इसमें क्रिस्टल वर्क है एंड रेड एंड गोल्डन में। तो मैं इसे फिलहाल पहनती तो नहीं हूँ एंड इट वाज माय फेवरेट मंगलसूत्र, गोल्डन वर्क है एंड इसके ऊपर वाइट स्टोन वर्क है जो मेरी फेवरेट है, ये गोल्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर भी जो मैं वेयर करती थी घर पर ही मंगलसूत्र या कुछ इस तरह से दिखती है एंड मुझे बहुत पसंद आती थी बट फिलहाल तो ये ख़राब हो चुकी है। सो इसे मैं फिलहाल साइड में रखती हूँ। ओके नाउ मैं अपनी इयररिंग की कलेक्शन अगेन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो झुमका देख रही हो मेरी फेवरेट थ्री लेयर्स की झुमका है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है एंड कुछ अफोर्डेबल तो नहीं है बट
इतना भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है, आप इसे बाय कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है झुमका ईयर रिंग्स, यानी कि जो बेल्ट होती है हमारी, घंटा, घंटा ईयर रिंग्स मुझे बहुत पसंद आई थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं डबल हुप्स ईयर रिंग दिखाऊंगी आपको, डबल राउंड शेप में, सॉरी शेप नहीं, शेप में, डबल राउंड शेप में है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है छोटी छोटी सी हुप्स ईयर रिंग्स, एंड फिर अगेन यहाँ पर बड़ी हुप्स ईयर रिंग, दोनों के मैं एक साथ बाय की थी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर दिखाऊंगी छोटा सा क्यूट सा ईयर रिंग्स, मुझे बहुत पसंद आई थी ईयर रिंग्स, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही। ओके, फिलहाल मेरी ईयर रिंग्स की कलेक्शन ख़त्म हो गई है, तो मैं फ़िलहाल आपको दिखाऊंगी मेरी मेकअप की कलेक्शन, ज्वेलरी कलेक्शन। बस मेरा इतना सा ही है, छोटा सा कलेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताई थी। एंड नेक्स्ट, ओके सो नेक्स्ट यहाँ पर मेरी मेकअप की कलेक्शन, बहुत ही छोटा सा कलेक्शन है। एंड पहले मैं दिखा रही हूँ मेरी कॉन्टैक्ट लेंसेस, एंड इनकी इसकी रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, एंड इसकी सॉल्यूशन, लेंसेस वेयर करने की सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ लिपस्टिक, मेट मी की, हुडा ब्यूटी की, एंड बहुत सारी लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक मेरे पास। सो या ये रहा कलेक्शन लिक्विड लिपस्टिक की। फिर यहाँ पर आईलाइनर जेल जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय की थी, जिसकी रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको। एंड फिर मेरी मेकअप ब्रशेस, इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही बाय की थी। एंड यहाँ पर और एक लिक्विड लिपस्टिक है मेरे पास। एंड यहाँ पर कुछ नेचुरल लिपस्टिक, एक बेबी लिप्स है एंड एक एलोवेरा। फिर यहाँ पर है मेरी कॉम्पैक्ट, ये ट्विन वन है। ओके सो यहाँ पर है लिक्विड लिपस्टिक, अगेन दिखा रही हूँ आपको, लाइनर जेल अगेन दिखा रही हूँ आपको। एंड नेक्स्ट मेरी आई शेडो पैलेट, जो कि जिसकी रिव्यू मैं दे चुकी हूँ। एंड यहाँ पर मेरे दो आई शेडो पैलेट हैं एंड कुछ आईलाइनर की कलेक्शन। मैं सबके नाम नहीं बता सकती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड यहाँ पर थ्री लिपस्टिक अगेन, जिसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्पैक्ट है, ट्विन वन है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी। सो इसे मैं अभी ओपन करके दिखा रही हूँ। ओके, सो ये कुछ इस तरह से दिखती है, नीचे एक और ऊपर एक और। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दो काजल, एक हाइलाइटर, ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई शेडो के लिए टैप एंड मेकअप ब्रशेस। लिपस्टिक, बस इतना सा ही कलेक्शन है मेरा। ओके सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की कलेक्शन दिखा रही हूँ आपको। जैसे कि देख पा रही हो आप, यहाँ पर है मेरी ओशिया की रोज फेशियल स्किन टोनर, फिर यहाँ पर है पतंजलि की केसर चंदन एलोवेरा जेल, एक लिपस्टिक है इसे मैं आई शेडो की तरह यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पर डोनम की मॉइस्चराइज़र, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है इसकी, डबर गुलावरी, लिवोन हेयर सीरम एंड अगेन लिवोन हेयर सीरम एंड मेरी फाउंडेशन। एंड यहाँ पर है मेरी शैम्पू ट्रेसिमी की अल्ट्रा स्मूथ कैरेटिन स्मूथ शैम्पू। ओ सारी गिर गई, फिलहाल मैं इसे ठीक करती हूँ वरना मम्मी डांटेगी मुझे। सो मैंने यहाँ से फिर से ठीक कर दी। फिर यहाँ पर मेरी है नेल रिमूवर एंड कुछ नेल पेंट, ट्रांसलेशन पेंट है जैसे सबको पता है। एंड फिर यहाँ पर है मेरी फेस पैक, आरसीएम की फेस पैक। एंड यहाँ पर है एंटी डैंड्रफ शैम्पू,
फिर यहाँ पर है एवियूथ की पिलो मास्क एंड फियामा की बॉडी वॉश एंड हेयर हैंड वॉश। ये जो देख रहे हो आप पैराशूट की एलोवेरा हेयर ऑयल है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद है, आप इसे बाय कर सकते हो। फिर यहाँ पर है पेन रिलीफ स्प्रे एंड यहाँ पर है मेरी फेस वॉश, इसकी रिव्यू मैं दे चुकी हूँ। एंड ये है मेरा हेयर सेटिंग स्प्रे बस। एंड यहाँ पर है मेरी चारकोल मास्क क्रीम। बस इतना सा ही कलेक्शन है मेरा। ओके गाइस, अगर मेरी वीडियो को पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करना, शेयर करना। एंड यहाँ पर मैं एक और रिंग पहनी हुई हूँ मेरी शादी की। सो टाटा।